नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी हर परेशानी का हल बताऊंगी। आप अपनी हर परेशानी से किस तरह निजात पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। समस्या चाहे कोई भी हो, बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, दुश्मन की बात हो या फिर दोस्त के रूठने की बात हो, दुश्मन को अपना बनाना है या दोस्त आपसे रूठ गया है उसको अपना बनाना है, बात कोई भी है, सिर्फ और सिर्फ ये तरीका आपके लिए सटीक है। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको देखना भी नहीं चाहता, या यूँ समझ लो वो अगर आपको मारना भी चाहता है और इस विधि को आप करते हैं, तो वो दुश्मन आपका गुलाम बन जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। पर कब होगा? जब ये बताई गई विधि आप अपनाएंगे, ये सरल विधि आप अपनाएंगे। ये विधि इतनी सरल है कि अगर इसे सही तरीके से अपनाएंगे, सही वशीकरण मंत्र को या सही चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो आप सामने वाले के दिमाग पे काबू पा सकते हैं। जी हाँ, आप उस व्यक्ति के दिमाग पर भी काबू पा सकते हैं, जो आप चाहें वो उससे करवा सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी वश में करने का ये सबसे बेहतरीन उपाय है। जी हाँ, टोना टोटका की दुनिया में जो लौंग है उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और जादुई माना गया है। आज का वशीकरण भी लौंग से ही है। बिल्कुल, लौंग जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और जादुई है। अगर इस लौंग का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये लौंग हर कार्य को सिद्ध कर सकती है, आपके रूठे हुए को अपने पास ला सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप लौंग का प्रयोग सही तरीके से करेंगे। तो आइए बताते हैं कि किस तरह आपको लौंग का प्रयोग करना है। आपको एक घी के दिए की आवश्यकता होगी, लौंग की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा सिंदूर और एक ग्लास पानी। बस जी, इतनी ही सामग्री आपको चाहिए। और इतनी ही सामग्री के माध्यम से आप जो आपसे दूर गया है उसे वापस ला सकते हैं। अपने दुश्मन को मिनटों में अपना दोस्त बना सकते हैं। आइए कैसे, बताती हूँ मैं आपको। आपको सुबह 3 बजे उठना है, नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं। 4:30 बजे तो आपको अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाना है और आपको एक दिया जलाना है घी का भगवान के आगे। उसके बबाद आपको अपने हाथ में 3 लौंग लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये 3 लौंग अपने हाथ में लेनी है और इस 3 लौंग को आपको सिंदूर में डुबो देना है। ये देखिए, सिंदूर की डब्बी में हमने ये 3 लौंगे डुबो दी हैं। अब ये सिंदूर की डब्बी में लौंगे जो रखी हैं हमने, अब इसे आपको ये 1 ग्लास पानी में भी डालना है। इस बात का भी खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये 2 लौंगे और ये 3री लौंग हमने इस तरीके से 1 ग्लास पानी में डाल दी है। इसमें 1 ग्लास पानी में ये डालकर जो आपने दिया जलाया है, उस दिए को आप सामने रखें माता रानी के, भगवान के आगे दिया जलाएं और ये 1 ग्लास में जो 3 लौंगे डाली हैं, सिंदूर लगी, इसको रखिए और एक मंत्र का जाप करना है आपको 11 बार। और ये विधि आपको 3 शुक्रवार में संपन्न करनी है। बस पहले शुक्रवार जब आप दिया जलाएंगे और ये जो लौंग है ये इसमें पानी में डालेंगे, सिंदूर लगी हुई, और इसको सामने रखेंगे, तो 1 शुक्रवार ये लौंग सिद्ध होगी। जी हाँ, आपको पहले शुक्रवार ये लौंग सिद्ध करनी है और इसके लिए आपको मंत्र का 11 बार जाप करना है। और आइए मैं बताती हूँ आपको वो मंत्र क्या है जो इस लौंग को शक्तिशाली बना देगा। वो मंत्र है ओम अमूक वश्यम करु स्वाहा। और इस मंत्र में अमूक जो शब्द मैंने प्रयोग किया है, इसमें आपको अमूक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, बस इतना ही आपको करना है। अमूक की जगह उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसके साथ ये मंत्र जो है ताकतवर हो जाता है, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का नाम आ गया, एक मंत्र की शक्ति, दूसरा उस व्यक्ति का नाम आ गया, तो ये मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा और आपकी जो 3 लौंग है उन्हें बहुत ज़्यादा आपको ताकतवर बना देगा। उसके बाद अगले शुक्रवार भी आपने मंत्र का 11 बार जाप करना है इसी तरीके से। और 3रे शुक्रवार
तीसरे शुक्रवार आपको इस विधि को अंजाम देना है। तीसरे शुक्रवार आप इस विधि को करना क्या है, आपने तीनों लौंग ले जाकर, ये ग्लास में जो पानी है ये ले जाकर आपको ये पीसनी है। सबसे पहले तो लौंग पानी आपको अलग करना है, लौंग जो है वो पीसनी है, और पीस कर आप या तो उस व्यक्ति के खाने में इसको मिला दीजिए या फिर जहाँ वो जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास इसे गिरा दीजिए। और ये जो ग्लास पानी है ये आप किसी भी पेड़ या पौधे पे चढ़ा सकते हैं। लौंग का ध्यान रखिएगा, लौंग को पीसना है और पीसने के बाद आप उस व्यक्ति को खिलाना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। फिर देखिए कैसे वो व्यक्ति पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा, किस तरह आपकी ही सुनेगा, आपकी ही मानेगा। कोई उसे कुछ भी कह ले, उसके लिए जब तक आप उसे नहीं कहेंगे वो कार्य नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलत मंशा से बिल्कुल भी ये विधि नहीं कीजिएगा, क्योंकि विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रचंड है। एक बार ये विधि हो गई तो इस विधि का करा हुआ कोई भी मौलवी, कोई भी तांत्रिक नहीं काट सकता। अगर चाहते हैं सही तरीके से विधि हो तो आपको इस विधि को सही तरीके से करना है और सही मंशा से करना है, मंत्रोच्चारण सही प्रकार से करना है, क्योंकि मंत्रोच्चारण सही है तो विधि सही है। ध्यान रखिएगा इस बात का और इसी तरह इस विधि को अंजाम दीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए। कोई और परेशानी है जिसका समाधान करके थक गए हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी हर समस्या उन्हें बताइए, हर परेशानी का हल आप उन्हें बताइए, क्योंकि गुरुजी के पास हर समस्या का सटीक हल होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।